Bismillah Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Jiye Bhutto. साथियों, आज मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से जगह जगह थटा के आवाम ने हमारा इस्तकबाल किया है, हम ये कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने जिस जोश और वलवला के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने जिदोजहद तेज करने को तैयार है। साथियों, कल वजीर आजम साहब ने अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाया था। वजीर आजम साहब कह रहा था कि वो तब्दीली लेकर आए हैं, वो तरक्की लेकर आए हैं, वो मुआशी तरक्की लेकर आए हैं। तो मैं थट्टा के आवाम से पूछता हूँ, क्या इमरान खान के 3 साल दौर में क्या वजीर आजम साहब ने आपके लिए कुछ किया है? क्या थट्टा में एक ईंट लगा है? क्या वजीर आजम साहब ने थट्टा में पानी का एक कतरा का इजाफा किया है? क्या वजीर आजम साहब साहब ने यहाँ 3 साल में एक मकान खड़ा कर दिया है? तो फिर वजीर आजम साहब आपसे झूठा निकला है। इलेक्शन में वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा। 3 साल गुजर चुके हैं तो वजीर आजम साहब ने नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद था, जो रोजगार कर रहे थे, उनसे भी रोजगार छीना है। आपको पता है कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हुआ है। 10,000 स्टील मिल्स के मुलाजमीन को बेरोजगार करवाया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ नाइंसाफी हुआ है। वहां सिंध के नौजवानों के साथ रोजगार छीना गया है। आपका FIA में जो भी नौकरियों इस सूबे को मिले थे उनको बरतरफ किए गए हैं। और अभी हाल ही में जो रोजगार बीबी शहीद ने दिलवाया था, जिस रोजगार के लिए, जिस 16,000 खानदानों के लिए सदर जरदारी ने पार्लियामान से एक्ट पास करवाकर 16,000 खानदानों को रोजगार पहुंचाया था, अब उन 16,000 खानदानों को भी बेरोजगार करवाया है। ये है इमरान खान की तब्दीली। खान साहब ने वादा किया था कि 50 लाख घर बनाएगा। 50 लाख घर बनाने के बजाय गरीबों के घर से छत छीने गए हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीना जाता है, मगर पनी गाला को बचाया जाता है। गरीबों के सर
घर से छत छीना जाता है और इमरान खान का घर को रेगुलराइज करवा दिया जाता है, और अंगी टाउन हो, गुजर नालो हो, वहां से गरीबों से छत छीना जाता है और इमरान खान का बनी गला रेगुलराइज हो जाता है। जज साहिबान को तो प्लॉट मिलते हैं मगर गरीबों के सर से वो छत छीनते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपकी मदद के साथ, जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया था, वैसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो आप अपना जिदोजहद तेज करें, आप अपना मेहनत, आप ज्यादा मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला हम मिलके अवामी हुकूमत बनाएंगे जो गरीब को रिलीफ दिलवाता है, जो गरीब को रोजगार दिलवाता है, जो गरीब को छत दिलवाता है। हम सबको वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसा आपने जियाल हक का मुकाबला किया, जैसा आपने मुशर्रफ का मुकाबला किया। तब्दीली सरकार आपके वसाइल पे डाका मार रहा है, तब्दीली सरकार आपके एनएफसी पे डाका मार रहा है, तब्दीली सरकार 18वीं तनवीन पे डाका मार रहा है, तब्दीली सरकार आपका गैस पे डाका मार रहा है, और तब्दीली सरकार इरसा आपका पानी पे डाका मार रहा है। मगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हो, आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही हो, आप कायदे अवाम के भाई हो, आप अपने हकूक का तहफ्फुज़ करना भी जानते हो, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो, इंशाल्लाह ताला हम इन सारे के सारे कुव्वतों का मुकाबला करके आपको अपने हकूक पहुंचाएंगे। जिए भुट्टो।